हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSE IT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं CCC कोर्स और CCC कोर्स सीखने की सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, तो हमने इसमें बहुत सारे मेन्यूज को कवर कर लिया है। आज हम एक और नए मेन्यू को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टाइल मेन्यू को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कितने सारे स्टाइल दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे स्टाइल है, इन तमाम सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हमने आज स्टाइल को डिस्कस करना है। स्टाइल हमारे एमएस वर्ड में भी अवेलेबल था, उसमें भी बहुत सारे प्रीसेट स्टाइल है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लाइब्रेरी है, इसमें जो स्टाइल के जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा है बट है इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। तो उसको देखने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हम अभी यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट रखा हुआ है। मैं इसको डबल क्लिक करके ऑन करूंगा और ये फटाफट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया है। और मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लूंगा और यहाँ पे मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें टेक्स्ट को देखूंगा, टेक्स्ट के साथ स्टाइल करूंगा। उससे पहले मैं जरा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम आते हैं सीधा स्टाइल मेन्यू में। स्टाइल मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा टेक्स्ट बॉडी है, टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग, हेडिंग वन, हेडिंग थ्री, कोटेशन और है यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं और इन सभी स्टाइल को हमने एक एक करके समझते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है टेक्स्ट बॉडी। टेक्स्ट बॉडी का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट होगा वो पूरे के पूरे बॉडी में होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे DT करके F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फटाफट ये सारे टेक्स्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। और मैं इनको सिलेक्ट करके एक बार जस्टिफाई यहाँ से कर देता हूँ और ये मेरा पूरी तरह से जस्टिफाई हो चुका है और ये टेक्स्ट पूरा दिख रहा है जो कि ये डिफॉल्ट टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके स्टाइल चेंज करूंगा। स्टाइल के लिए यहाँ भी सारे रखे हुए हैं, हम यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार से भी देख सकते हैं बट अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू हमें मिल जाते हैं, एक एक को हम समझते चलते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करते हैं तो इनकी जो बीच की जो गैपिंग है, जो दो लाइन के बीच की गैपिंग है वो स्टैंडर्ड हो जाता है, 1.15 हो जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है बट यहाँ पे जैसे हम बॉडी पे कहते हैं तो 1.15 के गैपिंग पे ये सेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने जैसे जस्टिफाई किया था और जैसे ही हमने यहाँ पे स्टाइल चेंज किया अब इस स्टाइल में चेंज हो चुका है। अब ये हमारा टेक्स्ट बॉडी के स्टाइल में हो चुका है। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट था वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे ये अब लेफ्ट अलाइनमेंट में हो चुका है जबकि हमने इसको जस्टिफाई में किया था, ठीक है। तो मैं फिर से सिलेक्ट करके अब मैं दूसरा स्टाइल अप्लाई करूंगा। तो दूसरा स्टाइल हमारे पास है टाइटल। तो अब हम एक टाइटल सेट करते हैं और देखते हैं उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल देने के लिए हमने एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट रखते हुए एक छोटा सा टाइटल लिख लेता हूँ, जैसे कि हम लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं। टाइटल के लिए मैं यहाँ पे वर्ड जो मैं चुन रहा हूँ मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस लिखूंगा, ठीक है। हमने लिब्रे ऑफिस टाइटल सेट कर दिया, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो पढ़ रहे हैं राइटर, तो राइटर हमारा सब टाइटल हो गया, ठीक है। अब इस टाइटल और सब टाइटल का हम स्टाइल देना चाहते हैं तो हमने टाइटल को सिलेक्ट रखते हुए हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद हम टाइटल को यूज करेंगे। जैसे हमने टाइटल को यूज किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड साइज और बढ़िया टाइटल की तरह बोल्ड और बड़े बड़े अक्षरों में हो चुका है, इनकी राइटिंग साइज बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये जो राइटर है मैं इसको सब टाइटल के स्टाइल में देना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद मैं सब टाइटल ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइटल और सब टाइटल में थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। इसकी साइज टाइटल की तरह मेन हेडिंग ये हमारा हो चुका है और यहाँ जो सब टाइटल में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसका सब टाइटल मतलब उससे अंदर आ रहा है, तो इसका जो लेबल है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये लेबल 1 पे आ जाता है और ये लेबल 2 पे आ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हम टाइटल और सब टाइटल दे सकते हैं। टाइटल का मतलब आपका मेन हेडिंग और सब टाइटल का मतलब उस मेन हेडिंग के अंदर का जो पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने टाइटल और हेडिंग करके हमने इसका एक स्टैंडर्ड स्टाइल दे चुका है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, अगर राइट साइड रखना है तो राइट साइड में रख सकते हैं, और सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलाइनमेंट आपके ऊपर है बट अभी के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ
स्टाइल समझ रहे हैं, तो स्टाइल आप समझे कि हम जिस टाइप का काम कर रहे हैं उस टाइप का हम स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सब टाइटल हो गया, अब इसके अंदर हेडिंग्स हैं, पार्ट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको अब दूसरे स्टाइल में देना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट रखते हुए हम स्टाइल में जाएंगे, हेडिंग वन कर लेंगे और हेडिंग वन का शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल वन, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हेडिंग का वन का शॉर्टकट की क्या है, हेडिंग टू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो ये सब आपको यहाँ पे बताना होता है और ये याद कर लीजिएगा। इवन इसमें जितने भी शॉर्टकट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर ही लीजिए, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। टेक्स्ट बॉडी का कंट्रोल जीरो हो जाएगा, हेडिंग वन का कंट्रोल वन, हेडिंग टू का कंट्रोल टू एंड हेडिंग थ्री का कंट्रोल थ्री शॉर्टकट हो जाता है। एंड यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड है ये, तो मैंने पहले भी जब लिस्ट पढ़ा रहे थे उस टाइम भी शॉर्टकट लिखवाया था, बट इस पर भी लिख लीजिए। और नीचे यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे कि मैं दिखाऊं, स्टाइल में हम जैसे गए तो यहाँ पे आपको ये प्री डिफाइंड जो स्टाइल है उनको अपडेट करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए या फिर नया स्टाइल बनाने के लिए, इसलिए इसका यूज करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, बट इसका अभी हम यूज नहीं करेंगे, फिलहाल हम जो प्रीसेट है उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं हेडिंग वन करके आपको दिखाऊं, तो हेडिंग वन जैसे ही हमने किया तो आप देखिए ये हेडिंग वन किस टाइप का बन गया है, ठीक है। तो टाइटल को हम बिना छेड़छाड़ किए हम सीधा यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहेंगे और इसको मैं लेफ्ट साइड रख देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मैं फर्स्ट हेडिंग लिख देता हूँ, आप हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम राइटर के अंदर पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, ठीक है, फाइल मेन्यू, ठीक है। हमने एक हेडिंग लिख दिया फाइल मेन्यू, अब इस फाइल मेन्यू को मैं एक स्टाइल देना चाहूंगा, क्योंकि ये हेडिंग है तो मैं हेडिंग वन दे दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से गया स्टाइल पे, स्टाइल पे जाने के बाद हेडिंग वन हमने दे दिया, तो ये मेरा हेडिंग वन बन चुका है, ठीक है। एक और मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि हेडिंग वन है तो फाइल मेन्यू, अब फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एक और इसमें समझने के लिए एक टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे कि प्रिंट, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक मान सपोज यहाँ से एक पैराग्राफ मैं चेंज कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे मैंने PRINT प्रिंट, ठीक है, हमने प्रिंट टाइटल दे दिया, लेकिन ये प्रिंट हमारा हेडिंग वन के अंदर है, फाइल मेन्यू के अंदर है, तो इसको हम हेडिंग वन नहीं रखेंगे, इस बार हम क्या रखेंगे, इसका स्टाइल हम हेडिंग टू रखेंगे और हम यहीं से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि फाइल मेन्यू जो हेडिंग वन है उससे थोड़ा सा छोटा हेडिंग टू बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, दूसरा हेडिंग के अंदर तीसरा हेडिंग, इस तरह से हम हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और इन हेडिंग को लेबल का भी कहीं कहीं नाम दिया जाता है कि एक हेडिंग के नीचे दूसरा हेडिंग, दूसरे हेडिंग के अंदर तीसरा हेडिंग, और इस तरह से आगे चलते चला जाता है, ठीक है। तो आगे आप और भी देख सकते, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि न्यू है, अब न्यू के अंदर आप बहुत सारे सब मेनू खुल जाते हैं, तो ये एक मेनू के अंदर दूसरा मेनू, दूसरे मेनू के अंदर तीसरा मेनू, अगर इस टाइप से खुलते जा रहा है तो वही एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, दूसरे हेडिंग के अंदर तीसरा हेडिंग, तो इसी तरह से ये वर्क करता है। और आपको जैसा जितने नंबर हेडिंग पे रिसेट करना है उतना नंबर हेडिंग, उतना नंबर साइज आप सेट कर सकते हैं, और एक आप बहुत ही बेहतरीन बुक डिजाइन कर सकते हैं, अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे काम बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इन हेडिंग्स को पार करते हुए आगे देखिए, तो कुछ कोटेशन है, जैसे कि कहीं कहीं आप बुक लिख रहे हैं और बुक में कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ मैटर लिखना होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है, उस पॉइंट को दिखाना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ब्लैक आउटलाइन करके कुछ शब्द है, ठीक है, मैं इसको कोटेशन में रखना चाहूंगा तो मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेट कर देता हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है तो मैं इनको सिलेक्ट कर रखते हुए अब कोटेशन लगाने के लिए हम चलेंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक कोटेशन यहाँ पे दिख रहा और एक और कोटेशन यहाँ पे दिख रहा, ये जो कोटेशन है ये पूरे के पूरे पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करेगा और ये जो कोटेशन है ये जो सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे के पूरे कोटेशन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा शिफ्टेड हो चुका है, जैसे कि ये हेडिंग से थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अगर मैं इसके ऊपर सिलेक्टेड एरिया के ऊपर मैं दूसरा वाला कोटेशन अप्लाई करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने इस पर अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा टिल्ड हो चुका है, थोड़ा सा ये तिरछा हो चुका है, ठीक है।
तो ये बता रहा है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर हम इसको कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि टाइपराइटर में टाइप किया गया होता है बिना सजावट बिना टेक्स्ट का, ये ओल्ड जमाने जैसे यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड हो गया बिना सजावट बिना डेकोरेशन का ये हो चुका है और ये बहुत ही ओल्ड जमाने का राइटिंग जैसा इसका स्टाइल बन चुका है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल देख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और मैं फिर से पहले जैसा कर देना चाहूंगा। तो पहले जैसा करने के लिए हम टेक्स्ट बॉडी स्टाइल कर देते हैं और ये फिर से हमारा पहले जैसा हो चुका है, या फिर इसको करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल जीरो भी यूज करेंगे तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट और जो खास इंपॉर्टेंट है जो कि एमएस वर्ड में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के नाम से आता था, यहाँ पे आपको इटैलिक को यहाँ पे इम्फेसिस बता रहा है और बोल्ड को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस बता रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा कोटेशन है और यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, इनको भी अगर आप ट्राई करेंगे तो मैं यहाँ पे जो ब्लैक आउटलाइन जो था मैं उसको सिलेक्ट रखते हुए मैं जरा दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कैसा कैसा स्टाइल आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे इम्फेसिस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तिरछा का तिरछा रह गया, इटैलिक रह गया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो बोल्ड था वो मेरा बोल्ड हो चुका है और यहाँ पे हाईलाइट भी दिखा रहा है कि ये बोल्ड हो चुका है। और इम्फेसिस का मतलब भी होता है तिरछा, और यहाँ से जैसे हमने इम्फेसिस किया ये तिरछा हो चुका है। अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर तिरछा करना चाहते हैं तो तिरछा भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां का बोल्ड और इस बोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ये है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो आगे के फॉर्मेटिंग को हम देखते हैं, आगे हमारे पास जो स्टाइल है वो कौन सा है। तो स्टाइल टैग में है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारे पास सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब होता है कि जो हमारा कोडिंग के टाइप जैसा होता है वो हो गया। और आगे हमारे पास लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है। अगर हमने बहुत सारे पैराग्राफ बनाए रखे हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बुलेट लिस्ट लगाना है, तो जितने भी पैराग्राफ्स हमने बनाए हैं हर पैराग्राफ के आगे क्या हो चुका है, बुलेट लग चुका है, डॉट लग चुका है बुलेट। और ये बुलेट का हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी देखा हुआ है, अगर आप नहीं देखेंगे बुलेट क्या होता है वो कैसे वर्क करता है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जितना हमारा सिलेक्टर था उन सब के आगे बुलेट लगा चुका है। और बुलेट लगाने के और भी बहुत सारे तरीका है, या फिर यहाँ पे आप अल्फाबेटिक बुलेट लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट है, नंबरिंग लिस्ट है, बहुत सारे है, और इनको आप यूज करेंगे जो यहाँ पे प्रीसेट रखे हुए हैं, बस उनका यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूँ कि स्टाइल एक्चुअली है क्या, तो स्टाइल का मतलब हो गया पहले से बना बना डेकोरेटेड टेक्स्ट फॉर्मेट, बस आप अपने उसको डॉक्यूमेंट पे यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टाइल देखे ये हम मैन्युअली भी कर सकते थे, बट स्टाइल में पहले से ही सारे चीज प्रीसेट रखे हुए हैं, तो हम प्रीसेट को अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल को यूज करते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप भी चीजें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और नीचे के जो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे वो अपने खुद का स्टाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो पहले तो हम प्रीसेट यूज कर ले, उसके बाद कभी अगले नेक्स्ट एडवांस लेक्चर में हम प्रीसेट बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम अपना खुद का स्टाइल बना सकते हैं, ओके। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो माहौल है वो बन सके और जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो भी कंप्लीट हो सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी यूज कर सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे भी लिंक्स बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इन सभी लिंक के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।